दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रीट्रैक लेदर जिपर हेडफोन पाउच का, जिसको मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं ये है वो बॉक्स, ठीक है। तो इसको मैं अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों एक अनबॉक्सिंग मैंने डाला था रिसेंटली, एक वीडियो जिसमें मैंने एक सोनी के हेडफोन का अनबॉक्सिंग किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले इस वीडियो को देख लो, इसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो उसको और इसको सेम डे मैंने जो है ऑर्डर किया था, उसको किया था अमेजोन से और इसको किया था फ्लिपकार्ट से, लेकिन वो पहले आ गया और इसको आने में जो थोड़ा टाइम लग गया। वेल जो भी है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसका हम कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट। बाय द वे दोस्तों, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद से चेक करना चाहे तो जाके आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और निकालते हैं प्रोडक्ट को बाहर। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दिख रहा है, काफ़ी शाइन कर रहा है और यही है वो प्रोडक्ट। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बात करते हैं दोस्तों इसके कलर्स की। तो मैंने इसको बाय किया है ब्लैक कलर में। इसका और भी कलर वेरिएंट आता है और भी डिज़ाइंस आता है, तो आप जो जाके अलग दूसरे कोई डिज़ाइन को जो चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके, अंदर से भी देखिए कितना हार्ड है। अभी मैं इसको बैंड करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे बैंड कर रहा हूँ और ये भी बैंड नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी कमाल क्वालिटी है, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी गैजेट रखते हैं, जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ईयरफोन, कुछ भी रखते हैं और ये गिर भी जाता है आपके हाथ से तो कुछ भी नहीं होगा, आपका सामान जो भी अंदर में वो सारा प्रोटेक्टेड रहेगा बहुत अच्छी तरह से। और इसके अंदर की क्वालिटी की बात करें तो अंदर का क्वालिटी काफ़ी कमाल का है। अंदर में देखिए पतला सा छोटा पतला सा एक जो है स्पंज टाइप दिया हुआ है और ऊपर साइड में जो है रबड़ के साथ में एक नेट दिया हुआ है। मान लीजिए आपने नीचे ईयरफोन रखा या नीचे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रखा और आप इसमें ईयरफोन भी रखना चाहते हैं तो ऊपर वाले नेट में भी आप यहाँ पे ईयरफोन डाल के इसको फंसा सकते हैं, मतलब दो साइड ऊपर नीचे दोनों साइड में भी आप इसमें अच्छे से बहुत सारे सामान जो है भर सकते हैं। ये स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं ज़्यादा जाना चाहते हैं जाते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है आप, ठीक है, और वो आपके पास गुम हो जाता है मैक्सिमम, तो ये आपके लिए काफ़ी कमाल का है। इसमें आप जो है संभाल के सारे छोटे छोटे चीज़ों को जो है आप इसमें रख सकते हैं, ये काफ़ी कमाल का है। अब मैं आपको थोड़ा सा जंप टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ के दिखा रहा हूँ, देखिए मैं छोड़ रहा हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा, ऊपर से भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल का है, काफ़ी हार्ड है, अंदर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। और इसका ये जो चेन दिया हुआ है, चेन आप लगा लोगे तो कंप्लीट जो है ये पैकेट बन जाएगा और अंदर में जो भी सामान है पैक हो जाएगा। देखिए चेन भी कितना स्मूथ आ रहा जा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर स्पेसिंग की बात करें तो आप आराम से अंदर में ईयरफोन, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और भी मान यूएसबी केबल, ये सब वगैरह वगैरह छोटे छोटे सामान जो है बहुत सारे इसमें रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा कुछ नहीं, मतलब छोटा छोटा सामान सब बहुत सारे इसमें आप रख सकते हैं। तो ये है पूरा क्वालिटी, आप देख सकते हैं एक बार आगे पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो है वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों, अगर छोटा छोटा अगर उसको सामान रखना है और अगर आप ट्रैवलर है, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या फिर म्यूज़िक सुनना पसंद ज़्यादा करते हैं या फिर आप गेमिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे हेडफोन वगैरह, मतलब बहुत सारे ईयरफोन या फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये सब होगा, तो ये सब को संभाल कर रखने के लिए ये जो है एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो मैंने इसका कंप्लीट आपको रिव्यू अनबॉक्सिंग दिखा दिया और फर्स्ट लुक भी दिखा दिया कैसा है। तो कैसा लगा आपको प्रोडक्ट बताना जरूर कमेंट्स में। तो बस दोस्तों ये था कंप्लीट इसका अनबॉक्सिंग। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने यही हेडफोन जिपर पाउच, जो कि काफ़ी हद तक आपके हेडफोन को जो है प्रोटेक्ट करता है स्क्रैच होने से, क्रैक होने से। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर आप म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने हैं या फिर आप हेडफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी काम का है। दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके खुद से चेकआउट कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर्स में आता है, अलग अलग डिजाइन्स में आता है, आप अपने हिसाब से जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो के नीचे यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।